मैं चाहता कि कार्बोहाइड्रेट्स तो सब का पहले आना पड़ता है कार्बोहाइड्रेट है कार्बोहाइड्रेट ब्लड में इस डेफिनेशन लाइट है कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेटेड कार्बन ये कार्बन हाइड्रेट्स माना हाइड्रेटेड कार्बन हाइड्रेट एंड जो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं जो कार्बन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो कुल में रेशियो होगा जो सेम ही होगा जो वाटर में होगा ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स इनमें रेशियो आज वाटर में रेशियो सेम होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो इतने ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट का हम जो सेम होगा सी सिक्स वन रेशो टू वन टू रेशो वन या वन रेशो टू जो वाटर में भी सेम होता है इनमें भी सेम होता है एंड इनकी डेफिनेशन देखा साइंस ही तय करता है इनकी डेफिनेशन आप पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड साफ कीटो और एल्डिहाइड जो एल्डिहाइड होगा जो ग्रुप एल्डिहाइड से कंटेन करता है उनके एल्डो ग्रुप रखेगा जो कीटन कीटो से कंटेन करता है उनके कीटो ग्रुप रखेगा एंड जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये स्वीट टेस्ट में जान देने के लिए सेक्रेट किया जाता है एंड इनके साउंड क्लासिफिकेशन पढ़ना थे कार्बोहाइड्रेट एंड बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस माने जब वाटर से कार्बोहाइड्रेट रिएक्ट कर दो तो छाट कर दो या पिटन दो इनके साथ क्लासिफिकेशन पढ़ना है जो कह रहे मोनोसैकेराइड होता है मोनो मोनोक्रिक क्रिक यानी जो वर्ड आते हैं मीन का वन सैकेराइड मीन का स्वीट मोनोसैकेराइड मीन से एक वन शुगर वाले एटम होना चाहिए यूनिट से ताल्लुक रखते वन शुगर एंड यूनिट एनिम होगा जो एग्जाम्पल आ ग्लूकोज सक्रोज ग्लूकोज असान जो अंदर से रिएक्शन पार्टनर से अंदर ग्लूकोज सी सिक्स एच ट्वेल्व और सिक्स जैसे वाटर से रिएक्ट कर दो नो रिएक्शन है को भी रिएक्शन नथिंग हो देखो ग्लूकोज हूँ वाटर ज्यादा एफिटिव नहीं हुआ इतने नो रिएक्शन थी दो मोनोसैकेराइड एग्जांपल आप ग्लूकोज चाहिए तो बनता है बाद में सांड पढ़ना थे ओलिगोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड ओलिगोज मीनिंग ऑफ फ्यू फ्यू एंड इवन जो एग्जांपल आप सक्रोज सक्रोज ऐसा रिएक्शन करता है वाटर से इनमें वाटर से रिएक्ट करता है सक्रोज थी ग्लूकोज आइटम थी माना जैसे ओलिगोसैकेराइड होता है उनमें ब या बिन का होता है शुगर यूनिट होता है हमें शुगर यूनिट ग्लूकोज में प्रति होता है तो ग्लूकोज खरीदा बहुत ग्लूकोज खरीदा ये भी स्वीट टेस्ट में होता है जो एग्जांपल है सक्रोज है फ्रक्टोज है ईटीसी इनका बाद ऐसा पढ़ना है पोली से कराई पोली मीन्स मैनी माना जैसे एक टाइम का अधिक मोनो से कराई जैसे तालु रखने के पोली से कराई चल रहा है जब बाय मोनो से कराई पाना मिले लोग आए
मोनोसेक्राइड मिलकर पॉलीसेक्राइड ठहरे उन्हीं के कौन जो विचम बांध उनका उनके ग्लाइड को साइड को बांध देगा और तब मोनोसाइक्राइड मिलकर खाने एकल फाइनल से ना मोर पॉलीसेक्राइड जो विचम को बांध उनका उनके ग्लाइड को साइड को बांध जो ऐसा रिएक्शन पड़ता है वाटर सा केतरा ही मनोसेक्राइड ठही वेंदा जॾहिं वाटर सां ॾहनि वधीक ऐं जेके असां कार्बोहाइड्रेट जा यूज़ पढ़ंदासीं त कार्बोहाइड्रेट किथे यूज़ थींदो आहे हिकु त कार्बोहाइड्रेट असांजे फल जो हिकु इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आहे ऐं माना हर हिकु एडल्ट माण्हू खे 50% कार्बोहाइड्रेट फल में रुकायल हूंदी आहे ऐं पॉलीसेक्राइड जा एग्ज़ाम्पल हुया सेल्युलोज स्टार्च ग्लाइकोजन 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 अहिड़ो कार्बोहाइड्रेट आहे जेको असां जिस्म में स्टोर थींदो आहे इहो लिवर में स्टोर थींदो आहे ऐं ॿियो हूंदो आहे सेल्युलोज जेको असां खाईंदा आहियूं कार्बोहाइड्रेट आहे प्लांट मां असांखे मिलंदो आहे ऐं उहो असां डाइजेस्टिव में न करे सघंदा आहियूं इहो माना ख़ारिज थींदो आहे ऐं जेको उहो ई सेल्युलोज जेको हूंदो आहे उहो एनिमल में बि हूंदो आहे हड्डू ओट्स में बि उहे उनखे डाइजेस्ट करे वेंदा आहिनि उन्हनि में बि सेल्युलोज एंजाइम हूंदो न आहे पर माना उहो बैक्टेरिया जे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हिकु माना पैदा थींदो आहे बैक्टेरिया जेको उनखे डाइजेस्ट कंदो आहे ऐं ॿिए न यूज पवंदा हाणे कार्बोहाइड्रेट आहे त फूड में यूज़ थींदो आहे ऐं सेल मेम्ब्रेन में थींदो आहे यूज़